दोस्तों, मेरा नाम आसिफ अब्दीन और ये किमाड़ी के अंदर जो जहरीली गैस का जो वाकया रोनुमा हुआ है जिसमें जहरीली गैस से लोग जाने गई हैं, उसमें कराची यूनिवर्सिटी की केमिस्ट्री डिपार्टमेंट को उन्होंने ये टास्क दिया था कि वो उसको चेक करें। तो उन्होंने जो लोगों के खून के नमूने उनको मिले उसके अंदर सोयाबीन डस्ट जो है उससे उसके जो है ना शवाहद उनको मिले। जो सोयाबीन बहरी जहाज आया था उससे सोयाबीन की ऑफलोडिंग हो रही थी, तो गैस नहीं है, वो डस्ट थी जिसकी वजह से वहाँ पर लोगों की जाने गई हैं। अब यहाँ पर अभी तक ये जो रिपोर्ट है ये सिंध हुकूमत को और ये जो कमिश्नर कराची को रिसाल कर दी गई है। अब सवाल ये है कि वहाँ पर जो रिहायशी इलाका था, रिहायशी इलाके के अंदर इसका नुकसान पहुँचा और इर्द गिर्द के जो वहाँ पे काम करने वाले मुलाजमीन थे या अंदरूनी जो कोर्ट के जो मामला थे उनको इस पर मतलब कोई नुकसान नहीं पहुँचा और बाकी इर्द गिर्द की आबादी को पहुँचा, तो ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये चीज़ अब निकल के आई है कि वो डस्ट थी, डस्ट की वजह से यहाँ पर हलाकतें हुई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो यूट्यूब पे मेरा चैनल आपदी कॉर्नर के नाम से उसको सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक मेरा पेज आपदी कॉर्नर के नाम से उसको लाइक कीजिए। शुक्रिया।